अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है असमतुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी ए आई ओ यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर तुलबा वक्त पर इसके ऊपर कदम नहीं उठाएंगे तो उनका एक तो साल भी ज़ाया हो सकता है और उनकी फ़ीस भी ज़ाया हो सकती है। क्या कदम तुलबा ने उठाना है, क्या कुछ करना है, तमाम तफसीलात हैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाल ही में अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 का एडमिशन ओपन किया है, जिसके अंदर मैट्रिक से लेकर एमए तक की क्लासेस शामिल थी। तो सबसे पहले छोटी क्लासेस के हवाले से बात कर लेते हैं। मैट्रिक एफए आईकॉम के फ्रेश एडमिशन भी कंफर्म हो चुके हैं और कंटिन्यू एडमिशन भी कंफर्म हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स का अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, अगर वो अभी तक अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा तो उसका साल ज़ाया हो जाएगा। यानी कि अगर आपने फीस जमा करवाई है, बर वक्त फीस जमा करवाई है और अभी तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, तो आप अपना जो चलान है उसको लेकर अपने करीबी इलाकाई दफ्तर विजिट करें, वहां उनको जाकर बोलें कि हमारा एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका साल भी जाया हो जाएगा और आपने जो फीस जमा करवाई है वो भी जाया हो जाएगी, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। इसी तरह हम बी ए बी कॉम एसोसिएट डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी सारे एडमिशन कन्फर्म हो चुके हैं, फ्रेश एडमिशन भी कन्फर्म हो चुके हैं और कंटिन्यू एडमिशन भी कन्फर्म हो चुके हैं। अगर आपका अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हो तो जिस तरह मैंने बताया कि अपना चालान लेकर करीबी रीजनल ऑफिस जाएं, ठीक है ना, वहां जाने के बाद उनको चालान दिखाएं, उसके ऊपर फीस पेड की मोहर लगी होनी चाहिए। अगर आपने बैंक में जमा करवाए तो ठीक है, अगर जैस कैश इजी पैसा के थ्रू जमा करवाए तो जो ट्रांजेक्शन आईडी वाला मैसेज आता है वो अपने साथ लेकर जाना और उनको लाजमी तौर पर बताना है कि सर हमने फीस जमा करवाई है, आप देखें हमारा एडमिशन अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। अगर इससे आप और लेट करेंगे तो आपका साल भी जाया हो जाएगा और फीस भी आपकी जाया हो जाएगी। उसके अलावा बड़ी क्लासेस बीएड बीएस एमए एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम, इनके जो कंटिन्यू एडमिशन है यानी कि जिन्होंने दूसरे सेमेस्टर का, चौथे का, पांचवे का, जितने का भी एडमिशन भेजा है, कंटिन्यू एडमिशन सब स्टूडेंट्स के कंफर्म हो चुके हैं। अगर आपका कंटिन्यू एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो आपने लाजमी तौर पर जाना है। कंटिन्यू एडमिशन की कंफर्मेशन किस तरह चेक करनी है, आप अपना सीएमएस पोर्टल ओपन करेंगे, वहां पर कोर्स हिस्ट्री में जाएंगे, अगर आपके वहां पर न्यू सब्जेक्ट शो हो जाते हैं तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, मैसेज आपको आने की जरूरत नहीं है। और अगर वहां पर आपके सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है तो जिस तरह मैंने बताया चालान लेके करीबी रीजनल ऑफिस चले जाएं। उसके अलावा लास्ट में बचती है एमए एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम, जिन्होंने फ्रेश एडमिशन तकरीबन 10-15 दिन से पहले भेजे थे वो सारे कंफर्म हो चुके हैं। जिन्होंने 10-15 दिनों के बाद एडमिशन भेजे हैं उनके एडमिशन कंफर्म होना भी बाकी है, वो सुन सभी तक वेट करें, इंशाल्लाह उनके एडमिशन इसी मंथ के अंदर 30 जून तक सारे कन्फर्म कर दिए जाएंगे। तो ये मैंने आपको बर वक्त अपडेट दे रहा हूँ, अगर इससे आप मजीद लेट करेंगे तो फिर आप वहां पर जाएंगे, ना आपको फीस वापस मिलेगी और ना ही आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। चालान लेकर करीबी इलाके दफ्तर विजिट करें, अपना साल बचाएं और अपने पैसे बचाएं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।